हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम प्रेम गिरी है और आपका बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे स्टडी 24x7 पे। तो आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो टिप्स एंड ट्रिक की होने वाली है, यानी कि इसमें ऐसे क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा जिसको आप ट्रिक के माध्यम से कम समय में आप लोग सॉल्व कर लेंगे। क्योंकि एग्जाम में जितना आप लोग समय बचा लेते हैं या फिर जितना आप टाइम मैनेजमेंट करके चलते हैं उतना आपका एग्जाम अच्छा जाता है, आप सारे क्वेश्चन पे टाइम दे पाते हैं। तो इसको हम देखेंगे कम से कम समय में ये क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है कि 20-40 का कितना प्रतिशत है, यानी कितना परसेंट है, यानी 20 इज व्हाट परसेंट ऑफ 40। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक छोटा सा ट्रिक देखेंगे, एक छोटी सी चीज समझेंगे कि जो भी डिजिट का से जुड़ा होगा उसे क्या करेंगे, हमेशा नीचे की तरफ रखेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन में जो भी डिजिट से जुड़ा होगा उसको भी क्या करेंगे, हमेशा नीचे रखेंगे। यानी 40 क्या है, ऑफ से जुड़ा हुआ है, तो इसको क्या करेंगे, 40 को नीचे की तरफ हमेशा रखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन को चलिए सॉल्व करते हैं बिना देर किए और समझते हैं कि कैसे ये सॉल्व होगा कम से कम समय में। तो सबसे पहले 40 को क्या करेंगे, नीचे की तरफ रख लेंगे, और 20 40 से कितना प्रतिशत है, तो इसको 20 को क्या करेंगे, ऊपर लिख लेंगे। ठीक है, फिर 100 इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, 50%। तो 20-40 का कितना प्रतिशत है, तो 50% है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 20 जो है वो से जुड़ा हुआ है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के ऐसे जो क्वेश्चन पूछते हैं कितना प्रतिशत अधिक है, 40-20 से कितना प्रतिशत अधिक है, कितना प्रतिशत कम है, तो ऐसे क्वेश्चन को क्या करते हैं, पहले इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं, 40 या 20 का। तो डिफरेंस कितना होगा, 20, और 20 किससे जुड़ा हुआ है, से, तो इसको क्या करेंगे, नीचे की तरफ लिख लेंगे, और फिर परसेंटेज निकालने के लिए 100, तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 100%। ठीक है, तो 40 20 से कितना प्रतिशत अधिक है, तो 100% अधिक है। ठीक है, अधिक है, ये क्वेश्चन ऐसे हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि 70 100 से कितना प्रतिशत कम है, तो कम है, तो यानी 100 किससे जुड़ा हुआ है, से जुड़ा हुआ है, तो इसको हमेशा क्या लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, यानी अंतर कितना है, तो कितने का अंतर है, 30 का अंतर है, इनटू क्या कर देंगे, परसेंटेज निकालने के लिए 100, तो फिर ये कट गया, तो कितना बचा, 30% क्या है, कम है। यानी 70-100 से कितना प्रतिशत कम है, तो 30% कम है। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके हमें बताएं कि आज की वीडियो कैसे लगी और आपको ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा, जो भी का से जुड़ा होगा डिजिट वो नीचे लिखा जाएगा, जो भी से जुड़ा होगा वो नीचे लिखा जाएगा। यहाँ पे 100 से जुड़ा है तो क्या नीचे लिखा गया है। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज की वीडियो कैसे लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए धन्यवाद।